हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका मुक्त तथा बद्ध आवेश, यानी कि फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो कौन से होते हैं मुक्त आवेश और कौन से बद्ध आवेश होते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो मुक्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस बोलते हैं, मुक्त आवेश यानी फ्री चार्जेस, और बद्ध आवेश बाउंड चार्जेस, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, तो इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं और फिगर के माध्यम से समझते हैं कि आखिर मुक्त और बद्ध आवेश क्या होते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने क्या की है, एक कक्षा ले ली है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये इसका नाभिक है, ठीक, ये इसका नाभिक है और इसके ऊपर क्या है, इसके जस्ट ऊपर निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं हैं। देख सकते हैं आप, ये एक नाभिक है जिसके ऊपर क्या होती है, निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आखिरकार जो परमाणु होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, आपका परमाणु बनता है। और परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन। परमाणु कैसा होता है भाई, पदार्थों से मिलकर परमाणु बना, ठीक। और परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। और परमाणु के अंदर एक धनावेश उपस्थित होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, एक धनावेश उपस्थित होता है, जिस परमाणु के अंदर जो धनावेश है वो एक सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होता है, यानी संकेंद्रित होता है। देख सकते हैं हम, जो प्लस वाला चार्ज है तो वहां पे क्या है, परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। पदार्थ होता है जो कि परमाणु, परमाणु कैसे मिलकर बनते हैं, पदार्थ से मिलकर बनते हैं, परमाणु होते हैं उदासीन। और परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, ठीक है, जो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक। और परमाणु के ऊपर क्या होती है, निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इन नाभिक की कक्षाओं में, यानी परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है वो कैसे होते हैं, बाउंड चार्जेस यानी बद्ध आवेश होते हैं, ठीक है। जो भी नाभिक के पास है वो कैसे होंगे, उनमें भाई नाभिक का चार्ज ज्यादा लगेगा, क्योंकि नाभिक का जो समस्त धनावेश है, परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पे केंद्रित होता है। और जो जितनी जो भी कक्षाएं होंगी नाभिक से ज्यादा पास होंगी वो कैसी होंगी, बद्ध आवेशित होंगी। और जितनी सबसे ज्यादा ऊपर जो कक्षाएं होंगी उनमें क्या होगा, दुर्बल आवेश होगा, ठीक है। ये क्या होंगी भाई, जितनी पास कक्षाएं वो प्रबल आक्षिक, प्रबल आक्षी कारक के रूप में क्या होंगी, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधी होंगी। और जितनी भी सबसे ऊपर कक्षाएं होंगी वो क्या होंगी, दुर्बल आक्षीकृत होंगी, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरने की क्वालिटी होती, क्वांटिटी होती, वो कैसी होती, 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो परमाणु की निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, सबसे पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी वाली में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा अपना अष्टक पूरा करता है, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो देख सकते हैं आप, ये हमने क्या किया है, हमने ली है कक्षा। देख सकते हैं आप, पहले में आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, दूसरे में 8, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8। तो कुछ इस तरह से निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, यहाँ पे होता है आपका नाभिक, ठीक, नाभिक होता है, उस नाभिक के पास में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रबल रूप से बंधे हुए होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये और प्रबल, मतलब इससे कम प्रबल रूप में बंधे होंगे, 2 वाले तो सबसे पास में है तो ज्यादा प्रबल होंगे, 8 वाले क्या होंगे, उससे थोड़ा दुर्बल, ठीक है। तो चलिए NaCl की संरचना से समझते हैं कि कैसे प्रबल और दुर्बल आक्षिक करण द्वारा बंधे होते हैं, मुक्त और बद्ध आवेश क्या होते हैं, ठीक। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो जैसा कि बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। अब इसमें हम इसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 3s1, ठीक है। तो 2 8, और इसमें क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक। अब बात करें सीएल की, क्लोरीन की परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। तो चलिए इसमें भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p5, ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 2 8 8 18 32 के क्रम में भरते हैं। तो इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हुए हैं, 2 भरा हुआ है 1s2
2s2 2p6 6 2 8 हो गए। फिर आपका कितना बच रहा है, 5 2 7 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में बच रहे हैं क्योंकि इसका अष्टक नहीं पूरा हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चलिए संरचना के माध्यम से समझते हैं कि इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो देख सकते हैं आप, ये Na की है संरचना और ये Cl की। तो चलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो पहले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 1s2, दूसरे में क्या होंगे 2s2 2p6 6 2 8। दूसरे की कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। ठीक है, 2 8 2 8 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, बचा कितना है 3s1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बाहरी कक्षा में, तो ये मुक्त होकर अपनी कक्षा में घूमेगा। दूसरे में भरते हैं 1s2 2, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 भरे जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8। तो चलिए गिन लेते, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 8 और फिर बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देख सकते हैं आप, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या कर लेगा, इसके बाहरी कक्षा में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो प्रबल कौन हो गया, प्रबल आपका क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन क्या करेगा, इनमें क्या होती है, दान करने की और लेने की क्षमता होती है। भाई इसमें क्लोरीन में है प्रबल, ये प्रबल आक्षीकृत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एने वाला 1 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर घसीट लेगा, ले लेगा इससे। ठीक है, उधार ले लेगा, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यही होते हैं मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन। भाई जो 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए, बद्ध आवेश नाभिक के, भाई इनका अष्टक हो गया पूरा, तो ये बंधे हुए हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में, देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन दाता और ग्राही होंगे। ठीक है, ये भाई क्लोरीन में भी जो 7 बच रहे हैं, ये भी, ये कैसा है, ये ग्राही है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और मुक्त वाला देख सकते हैं आप, जो आपका 3s1 Na का था, वो क्या करेगा, दाता इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये फ्री और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।